दयानदी गर्भरु पुरातन मंदिर थिबा ठाबकला इंटाक टीम पुरी जिला पिपिली अरकल गाँ निकट दयानदी शज्जारे बुड़ी रही बहु पुरातन मंदिर मंदिर भग्नावशेष पुरातन शिलामूर्ति सबू नदीकूल और आखपाख तटवर्ती ग्राम से पड़ रही देखा मिली से हीपरी अरकल ग्रामर कणास माइनर केनाल बंध पार्श्वे अनावना घास मध्य अवहेलित भाव पूजा पाता हर पार्वती शिवलिंग श्रीगणेश नंदी वृषभ आदि शिलामूर्ति सबू दयानदी में धरुवा बेले जाले उद्धार होता कहते ग्रामवासी ताक आधार कर अनिल धीरी नेतृत्व में इंटाक्र दुईजिया टीम आज दयानदी गर्भर या बहु पुरतन मंदिर ठाब कर पूर्व यह मंदिर नदीकूल थिला नदीर स्रोत में पठा क्षय होगा द्वारा कालक्रमे मंदिर अवक्षय हुई बालिशज्जारे पोती हो जाए जहाँ देखाए एवं सेठारे अनेक पुरातन शिला पड़ रही नदी शज्जारे बुड़ी रही मंदिर प्राय 800 वर्ष पुराणा गंगवंशीय राजत्व समय अनुमान कर इंटाक टीम तेणु ए अंचल निश्चित भाव एक प्रत्नतात्विक सर्वे कर पुरातन शिलामूर्ति गोटे मंदिर निर्माण करार आवश्यकता रही गवेषक मैंने मत रखिंट अराकूल गाँ आमर पिपिली ब्लक दयानदी कूले आम जो आर्कियोलोजिकल रिमेन्स गोटे मिड पीरियड मंदिर पाइचु यहाँ प्राय 60-70 वर्ष तले भी विलेजर रिपोर्ट करते यूँ मूर्ति गुड़ा किसी नहीं कि केनाल पाखे रखिकी से मूर्ति मैंने पूजा पाँच कितु आम जहाँ जी देखिलु नई भी एत भरी होनी यहाँ गोटे रिच आर्कियोलोजिकल साइट गोटे छोट कूद अच्छे स्मल आइलेट गोटे ता गोटे मंदिर पूर्व काल रहीपे रिवर चेंजिंग डायरेक्शन से मंदिर पड़गला किंतु चारिआड़े बहुत बड़ बड़ पथर पिलर कलम काउ ब्लॉक्स पैनल सब गुटा पड़ी तो सर्वे करूँ तीन चार दिन पूर्व आम देख लु बहुत गुड़े प्रत्नतात्विक अवशेष से केनाल बंध गड़े पड़ता सेठर गोटे आमर हर पार्वती प्राचीन मूर्ति था देवी मूर्ति था सब प्राचीन मूर्ति तापर आम गणेश मूर्ति गोटे थी शिवलिंग गोटे थी नंदी मूर्ति थी मुझे पचारि ये गाँव में से मैंने कहले गोटे पुरतन मंदिर दयानदी मदीजे थी जोटा कि दयानदी हुए तो तार कूल मानने पार्टा चेंज करवा फल से जो दिशा जाऊला चेंज करवा फल से मंदिर लीन हो जाए बर्तमान आम भावे से ही प्रत्नतात्विक अवशेष गुड़क से रखा जाए मुझे पचारि से मत कहे गाँव लोक प्राय 35-40 वर्ष तले एठू से मरला बेले से सब अवशेष गुड़ी पाई नहीं कि से रास्ता कूड़े से रखिं आस देखे कौन जो तो मूर्ति मिलू कौन जो शिवमूर्ति जैक मूर्ति पुराणा मंदिर बोलते थी कौन होता है पोती रही कौन सारे बड़ बड़ पथर भी अच्छे भितर पा भितर आ तो जिनस बहुत दिन तल अच्छे आम भी पिला जहाँ देखा भितर पानी बाहर नहीं पथर भी अच्छी।